अस्सलाम वालेकुम, मैं राजा खान और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कूल स्टार एपी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये एक टावर फैन का ब्लोयर फैन। जो क्या हुआ है कि इसका ये शाफ्ट जो लगता है या इस साइड पे वो जो है इस तरह से टूट गया है टोटली, ये देख सकते हैं आप। ओके, ये जो टूट करके पूरा अंदर में चूर चूर फेंका गया है, तो इसको जो है चेंज करना ही पड़ता है। बाकी सब मैकेनिक लोग जो है नया ला के डाल देते हैं, तो मैंने ट्राई किया, ये तो मिला नहीं मार्केट में। अब क्या किया, मैं एक तरकीब लगाया हूँ कि इसको किस तरह से ठीक किया जाए। तो चलिए मैं बताता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जो है, जो नए भाई आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और कॉमेंट्स करना, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि ये टूट चुका है और कोई उपाय नहीं है, ब्लोयर चेंज करना ही पड़ता है। तो मैंने चेंज नहीं किया, मैंने ट्राई किया मार्केट में, ये मिला नहीं। नहीं मिलने का कारण से मैं इसको कुछ तरकीब से बनाया हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक वॉशिंग मशीन का जो है फैन मोटर जो है, वॉशिंग का जो मोटर होता है, जो कपड़े को वॉश करता है उसका जो मोटर है, उसका ये कूलर है। ये देखिए, यहाँ पे फैन बैठता है, ये बेल्ट बैठता है। ओके, तो ये मोटर के ऊपर रहता है, तो इसका होल लगभग उसके मोटर से शूट हो रहा है। मैंने ये रोटर निकाल लिया था, तो इसमें इसे डाला हूँ, तो देखिए इसमें जा रहा है। लेकिन हमारे जो है टावर फैन में जो शाफ्ट है वो थोड़ा सा मोटा है, इससे 1 mm तकरीबन मोटा है। तो उसको जो है मैं इस तरह से जो है क्या बोलते हैं, एमरी और फाइलिंग करके, आप लोगों ने देख रहा है ये शाफ्ट जो है मोटा है और इसके अंदर ये जो है जा नहीं रहा है। ओके, इसे डालने के बाद भी ये जा नहीं रहा है, टाइट है। तो इसको क्या करते हैं, इसके होल का मुताबिक से इसको जो है थोड़ा ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलिए ग्राइंड करते हैं। पहले हम मोटर ऑन कर देते हैं, मोटर ऑन हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसको जो है यहाँ से फाइलिंग करते हैं। हमारा फाइलिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। आप मोटर को बंद कर देते हैं और इसको डाल कर देखते हैं। ओके, इजी से चला गया, ये आप देख सकते हैं, ये जो इजी से चला गया है। तो हमने और क्या किया है, आइए आपको बताते हैं। ये तो हमारे पास एक प्लास्टिक का, इसमें आयरन का भी आता है शीट वाला, जो इसका पर कुछ ऐसा रहता है साइड में, पूरा आयरन का इस तरह से आता है। ओके, तो मैंने क्या किया, उसको जो है कट किया, कट करके यहाँ पे जो है लगाया हूँ। ये देखिए, बहुत शानदार और इजी उपाय है, और आप भी अपना माइंड थोड़ा यूज करके कर सकते हैं घड़ी पर। देखिए, इसको जो है मैंने पहले सेंटर निकाला था, ये जो टूटा वाला पीस था, ये टूटा वाला पीस को मैंने निकाला बाहर, अब पूरा उसको क्लीन किया। क्लीन करके जो इसका सेंटर निकाला। ओके, सेंटर निकालने के बाद जो है ये फैन को कटिंग कर दिया। कटिंग करके देख रहे हैं, हैमरिंग करके इसको सेंटर लाया हूँ। लाने के बाद जो है इसका होल वो शाफ्ट से अब मैच कर रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने स्क्रू कर दिया, स्क्रू करने के बाद कुछ गम डाल देंगे ताकि स्क्रू वापस ना आए, और ये आपका लॉक जो है, शाफ्ट लॉक बोलते हैं, ये जो है ओसी का वैसे ही रहेगा। इसमें जो है एक इस तरह से बोल्ट डाल देते हैं, देखिए। ओके, तो ये हमने डाल दिया है, अब चलिए इसको फिट करके देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे लगाया, ओह माय गॉड, चला गया, देख रहे हैं। और ये शाफ्ट को जो है सेंटर कर लेते हैं इससे भी। तो ये चला गया, अब चलिए इसको जरा टाइट कर लेते हैं। ये टाइट हो चुका है। अब यहाँ पे आएगा इसका ये वाला प्लेट, टॉप का जो बुश प्लेट होता है वो आएगा, तो वो कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए, इसको जो है हम लोग पहले पहना लेते हैं। ओके, चला गया। नेक्स्ट थोड़ा सा उठाते हैं, एक सेट सेटिंग करते हैं, उस साइड का पहले एक सेटिंग हो जाए, उसके बाद जो है इधर का सेटिंग करेंगे।
इधर अभी नहीं बैठा है। बैठ गया तो एकदम इस तरह से बैठ जाना है। देखिए तो ये जो आप देख रहे हैं शाफ्ट यहाँ पे निकल गया, ये इस तरह से करीब सेट हो गया है। अब इसको जो एक बार चालू करके देखते हैं ताकि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए चालू करते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा उपाय तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। क्यों गाइस, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना। और अब जो है मैं थोड़ा डाल देता हूँ फेविक्विक ताकि ये जो है निकले ना प्रॉपरली लॉक हो जाए। चारों में डाल देते हैं। तो लगभग चारों में डला ही गया है। अब जो इसे फिट करते हैं। अरे यार, फिट करने से पहले तो यहाँ पे एक स्क्रू लगाना है गाइस, मैं तो लगाना ही भूल गया यहाँ पे, सॉरी। तो हमारे पास स्क्रू भी है। तो गाइस ये स्क्रू तो लग गया, अब चलिए इसको फिट करते हैं, ये कैप ऊपर डालते हैं। ये जो है टावर फैन है, कूलर नहीं है, टावर फैन। कूलर के जैसे ही हवा देता है। सो गाइस तकरीबन ये बन के तैयार हो चुका है, मतलब बिल्कुल ही ये बन के तैयार हो चुका है। चलिए इसको ऑन करके देखते हैं कि क्या कंडीशन है। हाँ हाँ, क्या ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे तो आपको पता चल ही गया होगा, ये देखिए। ओके गाइस, तो वीडियो पसंद आया, चलिए एक लाइक तो बनता है ये मजेदार आइडिया के लिए। ओके, बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो के साथ।